मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ है और बगैर राम जी के कार्य को किए हुए राम काज किन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। मुझे विश्राम कहां, हनुमान जी लंका गए, भगवती परंपरा जगत जननी जानकी को संदेश दिया, भगवान और संदेश ही नहीं दिए, रावण को उपदेश भी दिया, जानकी को संदेश दिए और रावण को उपदेश दिए। और जब रावण उपदेश की उपेक्षा कर दिया, जब नहीं समझा, तो फिर क्या किया, लंका को यही नहीं, आप देखिए जब राम जी के पास हनुमान जी लंका दहन करके आए तो राम जी ने पूछा, हनुमान ये बताओ कि वहां पे क्या किया तुमने, हनुमान जी ने कहा महाराज और कुछ नहीं किया, केवल वहां पर आपकी प्रसाद बांट करके आया। आपके प्रसाद बांट करके आया और हनुमान जी ने पूरी लंका उलट पलट लंका सब जारी कूद परा पुरी सुन सु मझारी पूरी लंका को जला दिए, केवल एक एक विभीषण कर गृह केवल विभीषण जी का एक घर छोड़ दिया, बाकी के बाकी सारे लंका को जला दिया। यही नहीं, आप पूरी रामायण को उठा करके देखें, सबको मिलाने वाला भगवान से कौन है, हनुमान। हनुमान नहीं होते अगर हनुमान जी नहीं होते तो जानकी जी का और राम का मिलन नहीं होता। हनुमान नहीं होते तो लखन लाल जी का प्राण नहीं बचता, हनुमान नहीं होते तो भारत और राम का मिलन नहीं होता। ये
ये संत कृपा है। हनुमान जी परम संत है, संत मिलाते हैं भगवान से। कहते हैं बगिया में बहार तब आता है जब बसंत आता है, और जीवन में बहार तब आता है जब कोई संत आता है। मेरे भाई संत कृपा का फल ये कोठी दुकान मकान ये व्यापार नहीं है। संत जब भी कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? अच्छा एक बात आप समझो, भगवान की कृपा का फल क्या है? ये मकान दे देना, पुत्र दे देना, लड़की की शादी करा देना, व्यापार चला देना, गाड़ी दे देना, या लड़के की नौकरी लगवा देना, ये नहीं है मेरे भाई। भगवान जब भी कृपा करते हैं तो किसी संत से मिला देते हैं। आप जरा गौर करें, भगवान ने शबरी पे कृपा की, मतंग ऋषि से मिला ली, जब भी कृपा करते विभीषण पे कृपा की, हनुमान जी से मिला ली, जब भी भगवान कृपा करते हैं तो किसी संत से मिला लेते हैं, और संत जब भी कृपा करते हैं तो भगवंत से मिला लेते हैं। भगवत कृपा का फल क्या है? संत मिलन। इसीलिए कहते हैं संत मिलन पूछाली तज माया अभिमान। जहां जहां पग आगे धरी तो कोटिन यज्ञ समा। कथा महाभारत की है। राजसि यज्ञ कर रहे थे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने कहा ये शंख रख रहा हूं, अगर राजसी यज्ञ के बाद ये शंख बोल गया तो समझ लीजिए यज्ञ पूर्ण हो गया, और शंख नहीं बजा तो यज्ञ पूर्ण नहीं। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, संत ब्राह्मणों ने प्रसाद पा लिए, लेकिन शंख नहीं बजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा केशव
शंख नहीं बजे। कारण क्या? भगवान ने कहा शंख इसलिए नहीं बजा, आपके यज्ञ में के पश्चात पूर्णाहुति के बाद सभी संत ब्राह्मण आकर के भोजन किए, लेकिन एक संत आपके इस यज्ञ में आकर के भोजन नहीं किए, इसीलिए शंख नहीं बजाए। आप जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि आप चल करके भोजन कर लीजिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, भंडारा। अर्जुन को भेजा जाकर के लेके आओ। अर्जुन गए महाराज, आप यज्ञ की भंडारे का प्रसाद आपने नहीं पाया, चल करके प्रसाद पा लीजिए। मैं उसी का प्रसाद पाऊंगा जो मुझे कोटि यज्ञ का फल प्रदान करेगा। जो मुझे यज्ञ का फल प्रदान करेगा मैं उसी के यहां प्रसाद पाऊंगा। जो एक लक्ष्य यज्ञ का फल दे। अब आकर के अर्जुन ने कहा कि महाराज वो तो कह रहे जो एक लक्ष्य यज्ञ का फल देगा मैं उसी के यहां प्रसाद पाऊंगा। लेकिन धर्मराज ऋषि सोच में पड़ गए, यहां तो एक यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और वो तो एक लक्ष्य यज्ञ की बात कर रहे हैं, केशव क्या किया जाए। अब भगवान कृष्ण ने कहा आप चिंता ना करो, द्रौपदी से कहा द्रौपदी पैर की जूती उतारो और तुम मेरे साथ चलो। नंगे पैर द्रौपदी चली संत के पहुंच गए। संत के पास संत से कहा महाराज आप हमारे यहां प्रसाद पाने के लिए चले तभी मेरा यज्ञ पूर्ण होगा, जब तक आप प्रसाद नहीं पाएंगे तब तक हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए आप चले प्रसाद पाने के। ना, 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 ना। मेरा एक नियम है जो एक लक्ष्य यज्ञ का फल मुझे प्रदान करेगा मैं उसी के यहां प्रसाद पाऊंगा। महाराज एक यज्ञ पूर्ण तो हुआ नहीं और आप एक लक्ष्य कह रहे हैं, तो ठीक है
मैं प्रसाद नहीं पाता। भगवान ने कहा प्रभु संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। जहां जहां पग आगे धरे तो कोटिनि यज्ञ समान। अरे महाराज ये द्रौपदी तो एक एक चरण रखी है। शास्त्र कहता है कि माया मोह और अहंकार को त्याग करके अगर संत के दर्शन के लिए जीव जाए तो अरे आप तो लक्ष्य की बात कर रहे हैं। कोटिनि यज्ञ समान। इसलिए महाराज द्रौपदी आई है आप चल करके प्रसाद। तेरा दर्श पाने को तेरा दर्श पाने को जी चाहता तेरा।
Yeah.
मिला दो मुझे मस्ती बाजार में नहीं मिलती कि जाओ अपन साड़ी के दुकान से खरीद करके ले आओ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर मस्ती तुम्हें चाहिए। ये मस्ती तो कहां मिलती है? अरे मेरे भाई 40 बजा लो। ये नेताजी की सभा नहीं है। जो नेताजी बोले और आजकल ताली बड़ी बजती है, ये तो मेरे भोलेनाथ की सभा है। अब भोलेनाथ की सभा में अगर ताली नहीं बजाओगे ना तो अगले जन्म में 4 पैर वाले बन जाओगे, 2 हाथ छीन लेगा भोलेनाथ। इसलिए अगर 4 पैर वाले बनना हो और गलियों में डंडा खाना हो तो ताली मत बजाना, और अगर 4 पैर वाला नहीं बनना हो, मानव बनना हो तो ताली जरूर बजाना। बजाओ प्रसाद पा रहा था तो वहां पे टीवी चल रहे थे, तो एक नेताजी भाषण दे रहे थे, नाम नहीं बताऊंगा, और वो हर बात में कहते थे पब्लिक से ताली बजाओ। एक शब्द बोले फिर कहे ताली बजाओ, एक शब्द बोले फिर कहे ताली बजाओ। तो भैया वो नेताओं के भाषण ही नहीं है, समझ गए? एक मेरे बाबा का दरबार है और बाबा के दरबार में शर्म कैसा, सारे शर्त को त्याग करके ताली बजाते हुए पिला दो मुझे मस्ती का प्याला, पिला दो मुझे ये मस्ती है ना, ये मेरे भाई बहन प्रभु कृपा के बगैर नहीं मिलता। और जिसने इस मस्ती का प्याला पी लिया, आप लोग ताली नहीं बजा रहे, भाई साहब रुमाल मत पकड़ो ताली बजाओ। रुमाल तो बाद में भी पकड़ लेना, लेकिन ये मस्ती बाद में नहीं मिलेगी। नाम तुम्हारी नाने का, नाम तुम्हारी नाने का, भैया ताली बजा दे, ताली बजा दे, ताली। खेले वाले भाई साहब ताली बजा लो। We'll be right back.
भैया माइक वाले तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, तू तो सो जाता है भाई, बार बार मेरे को कहना पड़ रहा है, जरा उस पर ध्यान रखो। एक बार राम जी जब जाने लगे गोलोक धाम, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान चलोगे नहीं, सब जा रहे हैं। अरे यही नहीं, राम जी के मैया जानकी ने अपने गले का उपहार भी दिया, देश कीमती। और हनुमान जी उसको तोड़ तोड़ के अपने दांतों से ढूंढ रहे हैं। सबने का हनुमान क्या ढूंढ रहा है, रहा बंदर का बंदर ही। माता जी ने इतनी कीमती हार दी और ये उसे तोड़ तोड़ के ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा। हनुमान ने कहा इसमें ये ढूंढ रहा हूं कि इस मोती में मेरे राम जी हैं या नहीं। अरे पागल,
इस मोती में राम जी कहां से आएंगे? एक बात बता, इस मोती में तो राम जी नहीं है, लेकिन क्या तेरे सीने में राम जी हैं? हनुमान ने कहा है, सबने कहा तो दिखाओ, और हनुमान जी ने जय श्री राम कह करके सीना चीरे और जानकी जी के साथ भीतर उन्होंने दर्शन। वही हनुमान जी से जो एक पल भी राम के बगैर नहीं रहते, एक भी पल। जब जागृत अवस्था में होते, जगे हुए होते राम जी, तो उनकी चरणों की सेवा हनुमान जी करते हैं, और सोते हैं तो दरवाजे पर बैठ करके चुटकी बजाते रहते हैं, मेरे राम जी को कोई जम्हाई ना आ जाए। वही हनुमान को जब राम जी ने कहा कि तुम चल नहीं रहे हो, सब जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा महाराज एक चीज आप बताओ, मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, कोई बात नहीं भाई, हमको कौन सी तैयारी करनी है, एक लंगोटा और एक सोटा यही तो चाहिए, ओ मेरे पास है और तो कुछ चाहिए नहीं। राम जी ने कहा क्या ये बताओ, वहां सत्संग कीर्तन मिलेगा या नहीं मिलेगा? राम जी ने कहा भैया सब कुछ तुम्हें स्वर्ग में मिल जाएगा, यही चीज तुम्हें वहां नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा तब आप ही जाओ, मेरे को नहीं जाना, जहां सत्संग नहीं, जहां कीर्तन नहीं, जहां भजन नहीं, वहां मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो सत्संग में बैठ करके हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे We'll be right back.
नंदकेश्वर ने सनत कुमारों को हनुमत अवतार की कथा सुनाई। सनत कुमार को नंदकेश्वर कहते हैं, हे मुने, अब मैं आपको महेश्वर अवतार की कथा सुना। एक समय भगवान शिव अपनी इच्छा से देवी पार्वती के प्रसन्नता पूर्वक और दोनों प्रसन्न चित्त से बिहार करते भैरव को दरवाजे पर बैठा रखा। भैरव से कहा, कोई आने न पाए इसलिए दरवाजे पर बैठ करके चौकीदारी करो, कोई भीतर न आए। भगवान शिव अपने प्राण वल्लभा पार्वती के साथ लीला कर रहे थे, बड़े विनोदपूर्ण वार्तालाप चल रहा था। उसी समय उस राजमहल में कुछ सखियां थी, वो आई और बैठ करके बड़े परस्पर विनोद की वार्तालाप करने लगे। कुछ देर पश्चात भगवती पार्वती सखियों के साथ महल के बाहर निकली, तो दरवाजे पर भैरव जी बैठे हुए। भैरव जी ने भगवती परम्बा आदि शक्ति सखियों के साथ पार्वती जी को बड़ी गौर से देखी और काफी देर तक देखी। ये देख करके पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि देखो भैरव ये बड़ी गौर से मेरी तरफ दिख रहा है। अक्रोध आया और तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य के भांति तुम जीवन व्यतीत करो। अब भैरव को माता जी ने श्राप दे दिया। अब भैरव रोने लगे, चरण गिर पर, क्षमा कर, क्षमा कर, मेरे अपराध को आप क्षमा कर। हल्ला सुन करके भगवान शिव भीतर आए से बाहर आए। क्या हुआ? भगवान शिव के चरणों में भैरव गिर पड़ा। महाराज मेरे से एक अपराध हो, माता जी महल से सखियों के साथ निकल रही थी, मैं इनके सौंदर्य को देख रहा था, माता जी को क्रोध आया और उन्होंने मेरे से श्राप दे दी कि मृत्यु लोक में जाकर के मनुष्य के भांति जियो, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और श्राप से मुक्त करें।
भगवान शिव ने कहा, भैरव पार्वती जो श्राप दी है मिथ्या तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं महेश नाम से अवतरित होऊंगा मृत्यु लोक में और पार्वती शारदा नाम से अवतरित होंगे और इनके दर्शन से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। उन्होंने नंदकेश्वर ने भगवान संत कुमार समझाया। संत कुमार से कहने लगे, अब मैं आपको भगवान शिव का वृषभावतार का वर्णन करूंगा। जब समुद्र का मंथन हुआ, दैत्य और दानव ने मिलकर के मंथन किए, उस समय 14 रथ निकले जिसमें अमृत भी निकला। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करते हुए पक्षपात और मोहनी का रूप धारण करके देवताओं को पान करा दिया। असुरों में और देवताओं में देवासुर संग्राम हुए। देवासुर संग्राम में देवताओं का विजय हुआ। भगवान विष्णु ने असुरों से कहा, तुम पाताल में जाओ, और देवताओं ने भगवान विष्णु को भी बंदी बना करके पाताल में ले गए। बहुत दिनों तक पाताल में रहे। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज क्योंकि असुरों ने अपने शक्ति को बढ़ा करके देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी और देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि महाराज आप कोई कृपा करो जिससे हम लोगों को राज्यपाट भी मिल जाए। और भगवान विष्णु को जो कैद करके रखे वो भी मुक्ति को प्राप्त करे, कैद से छूट जाए। तब भगवान शिव ने वृषभावतार धारण किया और वृषभावतार धारण करके पाताल में गए और असुरों को ललकारा। असुरों को ललकारने के पश्चात उन्होंने असुर लोग युद्ध करने के लिए आए और युद्ध के साथ साथ असुरों के साथ साथ भगवान विष्णु भी भगवान शिव से युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि दानवों ने भगवान विष्णु के ऊपर अपनी माया का जाल फैला रखा था, तो उस माया से मोहित हो करके और दानवों के पक्ष में भगवान शिव से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु आए। जब युद्ध करते करते भगवान विष्णु को पता लगा, अरे ये तो भगवान सदाशिव है, तब अपनी माया के द्वारा उस
मायावी राक्षसी माया को काटते हुए समस्त भगवान शिव ने भगवान नारायण के पास जो सुदर्शन चक्र थे वो सुदर्शन चक्र ले लिया। अतेज सूर्य नामक जो सुदर्शन चक्र था वो भगवान विष्णु को दे दिए भगवान शिव ने, और वहां से सुदर्शन चक्र दे करके अंतर ध्यान हो गए। नंदकेश्वर शनकादि ऋषियों को कहते हैं बोल विश्वदेव भगवान की, हे महामुनि मैंने भगवान वृषभावतार का, भगवान शिव के वृषभावतार का वर्णन किया, अब मैंने मैं तुमको पिपलाद जल को श्रवण कराता हूं। आप लोगों ने भागवत के माध्यम से अनेकों बार कथा श्रवण किए होंगे। दक्ष के 60 कन्याएं नारद जी के, क्योंकि दक्ष ने जब नारद जी को श्राप दिया और श्राप इस कारण से दिया क्योंकि नारद जी दक्ष सृष्टि करने के लिए अपने पुत्रों को भेजता था कि जाकर के तपस्या करते हो, और तपस्या के लिए भेजते थे, और इधर नारद जी जाकर के उसको उपदेश देते थे, अरे क्या गृहस्थ आश्रम में जाना, वही नमक तेल हल्दी। पत्नी कहेगी ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, कभी कहेगी आईब्रो बनवानी है तो कभी कहेगी फ्रेशियर करवानी है तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अब इतने नोट कमाते कमा करके यही करते रहोगे, अरे मानव का जीवन हुआ है कबहु को करु करुणा नर देही, दे दी इस बिनु हित सने दुर्लभ मानसो दे आदि ही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा है, बड़ा भाग्यशील मानव का तन मिला है, इसलिए भजन का गृहस्थ आश्रम में मत भेजा। तो नारद जी को उपदेश देकर के बाबा जी बना दे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि देखो मैं अपने बच्चों को सृष्टि के लिए कहता हूं तपस्या करने के लिए, और ये जाकर के बहका देता है और बाबा जी बना देता है।